जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आज मेरा गणित का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर एपिसोड 1 के माध्यम से मैंने गणित की जितनी भी टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, बैच से जुड़ने का जो सिस्टम हो सकता है, संपूर्ण एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी। जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके विषयों के चयन को लेकर के, उन सबसे संबंधित भी पब्लिक वीडियोज संस्थान के द्वारा प्रेषित किए जाते रहते हैं समय समय पर। जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी नई जानकारियाँ आती हैं, संस्थान उसको आपको प्रॉपरली सूचित करता रहता है, और ये हमारी एक जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से हम लोग आपको कनेक्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर से, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में संपूर्ण सिलेबस को, पाठ्यक्रम को आपको समझाया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा अगर हम लोग यहाँ पर फेस करें तो उस परीक्षा के नेचर को समझना बड़ा आवश्यक है, उसके प्रश्नों की प्रकृति को समझने की बहुत ही ज़रूरत है। एक ही मैथ विषय को अगर आप अलग अलग परीक्षाओं में फेस करते हैं तो आपको पता है कि हर परीक्षा का जो तरीका होता है, जो रवैया होता है, वो पूरी तरह से अलग अलग होता है। वही टॉपिक को अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग परीक्षाओं में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और आप उसी चैलेंजेस को अगर क्रॉस करते हैं तो पास कर लेते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि हमारी परीक्षा की नियति के हिसाब से उस टॉपिक को उसके हिसाब से ही कैटेगराइज करने की कोशिश करें। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं उसी जटिलता को, उसी गंभीरता को यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी अर्थमेटिक के सेक्शन को, जैसे कि आपने देखा था, मैंने उस दिन भी बताया था कि इसमें अर्थमेटिक का सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर है। कमज़ोर का अर्थ ये नहीं कि है नहीं, काफ़ी है, लेकिन फिर भी कमज़ोर है सही मानों में देखा जाए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग की बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो कि आपको हमारे गतिविधियों को, हमारी शैली को समझाने की कोशिश करती हैं, और आप सभी चीज़ों को अप्रिसिएट भी करते हैं, आप सभी चीज़ों को समझते भी हैं। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैंने इसके एक जटिल टॉपिक, या हम कह सकते हैं कि इसके एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ज्योमेट्री के स्टार्ट करने की कोशिश करी, ज्योमेट्री को प्रारंभ करने की कोशिश की है। मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आज आपको ज्योमेट्री, ज्यामिति, जो कि इस परीक्षा के लेवल के हिसाब से है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ बैचेस का जो अप्रोच है, बैचेस की जो रूपरेखा है, उसको भी प्रॉपर मैं डिटेल करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत सबसे पहले बैच को लेकर के है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैच है वो जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का है। इस बैच को हम लोगों ने निश्चय बैच नाम दिया है, और निश्चय एक हमको एनर्जी देता है, एक पॉजिटिविटी देता है कि हम अगर किसी भी गोल को निर्धारित कर लें, उसको प्राप्त करने का निश्चय कर लें, तो हमारे सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमको अचीव करने का जो हमारा रेशियो होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। कुछ इसी तरह से एक मनोवैज्ञानिक पॉजिटिविटी देने के लिए हम लोगों ने इस तरह के बैचेस का नाम जो है सेलेक्ट किया है, कि आप सभी इस नाम से अपने आप को रिलेट करें, खुद के लिए एक निश्चय निर्धारित करें और इस बैच के माध्यम से अपने जीवन को सफल करें। जूनियर शिक्षक 2021 की परीक्षा के लिए संस्थान ने एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए प्रोवाइड किया है, जो आपको मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, 8382966779। इस पे आपको एंट्री फॉर जूनियर या ज्वाइन जूनियर करके आपको एंट्री कर देना है। संस्थान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो टेली काउंसलर्स हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपसे जुड़ने की, और संस्थान के द्वारा जो बैचेस का सिस्टम है उसको, उसमें रन करने की प्रोसेस को आपको समझाएंगे। जुड़ने का एक मीडियम और भी आपको, जैसे बताया जाता है हर वीडियोस में, कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जहां पर आप जा करके फ्री रूप से हमारे संस्थान का एक पार्ट बन सकते हैं, और वहां पर भी रह करके आप बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी गतिविधियां संस्थान से जो संचालित की जाती हैं, जो इन बैचेस से रिलेट करती हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। तो आप वहां पर भी जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, वह भी एक लिए आपके लिए अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। समय ज़्यादा जाया नहीं करूँगा, सीधा सीधा मैं कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। मैंने आपके लिए आज इस जो टॉपिक का चयन किया है, और बहुत गंभीर टॉपिक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर हम लोग इसको बहुत ही सीरियसली और ईमानदारी भरे रवैये से अगर पढ़ेंगे तो यह टॉपिक आपका हो जाएगा। इस बात को आप निसंदेह मानकर चलिएगा, बिना किसी डाउट के मानकर चलिएगा। ज्यामिति, ज्योमेट्री पढ़ा तो अलग अलग चैप्टर्स, या चैप्टर्स जो है अलग अलग परीक्षाओं के लिए जाता है। लगभग हर परीक्षा में जहाँ पर भी एडवांस मैथमेटिक्स का जिक्र होता है, ज्यामिति को वहाँ पर दे दिया जाता है ज्यामिति। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इसका जो लेवल होगा, मैं जूनियर भर्ती परीक्षा के हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, जो इसकी कुछ टेक्निकलिटीज होंगी, जो इसमें कुछ गंभीरता होगी, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो शब्द ज्यामिति से ही मैं आज के लेक्चर को प्रारंभ करूंगा, ज्योमेट्री से मैं यहाँ पर आपकी आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ज्यामिति, अंग्रेजी में हम इसको ज्योमेट्री कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बारे में, इस शब्द को जानते हैं, बहुत बार इसको हम बारीकी से पढ़े भी होंगे, बारीकी से समझे भी होंगे। प्रयास रहेगा कि कुछ नया सीखें और इसको अच्छी तरह से सीख पाएं। सबसे पहले मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करता हूं, इसको डिटेल करता हूं। अंग्रेजी की बात किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं जियो प्लस मेट्रियान। ध्यान से देखिएगा, जियो प्लस मेट्रियान। जियो का शाब्दिक अर्थ अर्थ होता है, अर्थ मतलब आप जानते हैं पृथ्वी होता है,
अर्थ का अर्थ है पृथ्वी, और मीटरयान का अर्थ होता है मीजरमेंट, मीजरमेंट जिसका मतलब है मापन। आप गणित की रूपरेखा जानते हैं कि गणित का उद्देश्य ही कैलकुलेशन के माध्यम से आपकी समस्याओं को हल करना हो। उन्हीं की जो अलग अलग अप्रोच है, जो कि अलग अलग टॉपिक में इनको देखने को मिलती है, इनके अलग अलग स्वरूपों में फेस करने को मिलती है, जहां पर उसी कैलकुलेशन को मापन का रूप दे दिया गया है। इनका कहना है कि अर्थ को मीजर कर लो, अर्थ को मीजर कर ले वही ज्योमेट्री है। जो अर्थ को मीजर कर सके, पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित जितनी भी आकृतियां होती हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी स्थान होते हैं, अगर हम उनका मीजरमेंट परफॉर्म कर सकें तो वह सारी प्रक्रिया ज्यामिति के अंतर्गत आती है। इस जियो प्लस मीटरयान वर्ड को देने का जो श्रेय जाता है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड, उनको जाता है। यूक्लिड ने हमें इस शब्द ज्यामिति के बारे में हमें अवगत कराया। सो ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, इसलिए हम उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। अगर हम कह दें कि हु वाज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, सो यू कैन से दैट वाज द यूक्लिड, जिन्होंने हमें ज्यामिति के बारे में समझाने की कोशिश की। इनके माध्यम से हम इतना समझ पाए कि पृथ्वी पर या पृथ्वी से संबंधित जितनी भी आकृतियां होती हैं, उनको मीजर करने के जो टूल्स दें, उनको मीजर करने का जो यंत्र दें आपको, वही ज्यामिति है, वही ज्योमेट्री है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य हो गया आकृतियों को मीजर करना, अर्थ या अर्थ से संबंधित जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, उनको मीजर करना, ये ज्यामिति का काम है। क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ अपने पास, अपने आसपास या अपने सराउंडिंग में क्या क्या कंटेन कर सकता है, किस प्रकार की आकृतियों को होल्ड कर सकता है, यह आप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ या अर्थ अर्थ के आसपास के जो रीजन को अगर हम डिसाइड करें, तो उस रीजन को हम दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक टू डायमेंशनल, एक थ्री डायमेंशनल। कहने का मतलब अर्थ है या अर्थ के आसपास की जितने भी फिगर हैं, मतलब जो आकृतियां हैं, वो आकृतियां इस तरह के दो सर्फेसिस पर निर्भर करेंगी, एक टू डायमेंशनल, एक थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब जिसमें केवल एक सतह या सरफेस का प्रयोग किया जाता है, एक सरफेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जनरली सोचिए, आप जिस फर्श पर खड़े हैं, मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जिस कॉपी पर आप लिखते हैं, या हम किसी आकृति को अगर एक सतह, चाहे वो जो आपकी दीवार की सतह हो, चाहे आपके फर्श की सतह हो, चाहे आपकी छत की सतह, अगर हम उस पर अंकित कर सके, प्लॉट कर सके, तो वही आकृति है टू डायमेंशनल। अब उन आकृतियों को हम लोग जनरली प्लाट कर देते हैं उस सरफेस पर। उसी तरह से अब दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं, जो थ्री डायमेंशनल है, वह एक प्रकार से स्पेस है। आप जनरली सोचिए, जैसे हम खड़े हैं, तो विदाउट स्पेस हमारे खड़े होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। हम खड़े हैं तो जाहिर सी बात एक स्पेस में खड़े हैं। मुझे हवा की ज़रूरत है, और जितनी हवा की कैपेसिटी है, उतने ही लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, या उतनी ही वस्तुएँ हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स या आकृतियाँ हैं, वो जनरली आकृति नहीं है, वह एक प्रकार की वस्तुएं हैं, वह एक प्रकार का स्पेस है। जैसे इस कमरे में अगर हम खड़े हैं, तो हम भी थ्री डायमेंशनल है, या रूम भी थ्री डायमेंशनल है। इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, वो मेरे तरह कई सारे लोगों को इसके अंदर कंटेन कर सकती है। तो हम इन हर प्रकार की आकृतियों का एनालिसिस, इन हर प्रकार की आकृतियों का अध्ययन ज्योमेट्री, ज्यामिति के अंतर्गत करेंगे। हालांकि हम आकृतियों को अभी डिटेल नहीं करने जा रहे हैं कि आकृतियां कुल कितनी हैं, आकृतियां कैसे हैं, आकृतियों का सिस्टम क्या है, लेकिन आकृतियों को जो होल्ड करता है, जो मीजर करता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जब ये फिगर बनेंगे, जब ये आकृतियां बनेंगी, तो इन आकृतियों का अलग अलग, जैसे मैंने कहा, पहली चीज तो हमने स्पेस या रीजन के हिसाब से नेचर दे दिया, रूप दो पार्ट दे दिया। उसी प्रकार से इन आकृतियों को पहले बनाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले अगर किसी भी फिगर या आकृति को आप बना रहे हैं, जो ज्योमेट्री का पार्ट है, हमें मुख्यतः तीन बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकार से हम किसी भी आकृति की जो बेसिक इकाई है, वह इन तीन बिंदुओं पर डिपेंड करती है। चाहे आप थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाएं, आकृति बनाएं, या टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या आकृति बनाएं, तो आपको मुख्यतः तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है पॉइंट, जिसको हम बिंदु कहते हैं, जो जनरली आप किसी एक सर्फेस पर प्लॉट कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। हमने ऐसे सीधा निशान लगा दिया, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द बिंदु। आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, बिंदु। अब दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा जो टर्म होता है, आप कह सकते हैं, वो होता है लाइन। आपने जब दो बिंदुओं को मिला दिया, तो एक लाइन बनी। दो बिंदुओं को जब मिला दिया, तो एक लाइन अर्थात रेखा बनी। यह रेखा भी दो प्रकार की होती है,
यह रेखा भी दो प्रकार की होती है, क्योंकि बिंदुओं को केवल ऐसे नहीं मिला सकते हैं, हम ऐसे भी मिला सकते हैं, हम ऐसे भी मिला सकते हैं, हम इन दो बिंदुओं को कुछ इसी तरह से मिला सकते हैं। तो लाइन दो प्रकार की बनी, एक आपकी स्ट्रेट बनी, स्ट्रेट को आप सीधी सरल रेखा कह सकते हैं, सीधी रेखा कह सकते हैं, सरल रेखा कह सकते हैं। एक आपकी कर्व्ड बनी, कर्व्ड का अर्थ होता है वक्र रेखा, जो कि सीधी रेखा से नहीं बनती है। जैसे आप देखते हैं जो एक फिगर होता है, जनरली हम वृत्त पढ़ते हैं, तो वृत्त में सीधी रेखाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, वक्र रेखाओं का प्रयोग करके वृत्त को डेवलप किया जाता है। अब हम जब दो रेखाओं को, दो सरल रेखाओं को मिला देंगे, तो तीसरा बिंदु जनरेट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एंगल, हिंदी में इसको कहेंगे कोण। अब जब दो बिंदुओं को आपने मिला दिया, तो आपको मिला एक कोण। कोण को आप लोग अलग अलग सिंबल, अलग अलग प्रतीकों से समझते हैं, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, तमाम तरह के नाम देते हैं। लेकिन ये अगर कोई भी आकृति का निर्माण करेंगे, तो मुख्यतः यह तीन चीजें हमारे सामने बनकर आएंगी। क्या क्या मतलब, इन तीन चीजों की आवश्यकता होगी, बिंदु की, रेखा की और कोण की। अगर यह तीन टर्म के बारे में हमको जानकारी है, तो हम किसी भी आकृति का निर्माण कर सकते हैं। उस आकृति के तमाम सारे सेगमेंट्स, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, उन सभी का हम मेजरमेंट पर काम कर सकते हैं। तो आपको पहली चीज तो इन्हीं तीनों पर अपना कमांड, अपना फोकस बना के रखना होगा, इन चीजों को ही सबसे पहले समझना होगा। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन तीन के बारे में ही। सबसे पहले हम बिंदु को समझते हैं, रेखा को समझते हैं और कोण को समझते हैं। इनको समझकर इनको हम आकृतियों पर लाएंगे, क्योंकि आकृतियों को डिटेल करना एक अलग पार्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आकृतियों को डिजाइन करने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता होती है, जिन बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो हमें ज्यामिति प्रदान करती है, सबसे पहले उनको समझें, उनके नेचर को डिस्कस करें, तब हम लोग आकृतियों को लेकर के आगे किसी सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं अबाउट पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु के बारे में, बिंदु के बारे में। देखिए बिंदु क्या है, सीधा सीधा मैंने कहा कि किसी एक सरफेस पर डॉटेड, प्लॉटेड या हम कह सकते हैं मार्क्ड एक स्पॉट है, जिसको हम बिंदु कह रहे हैं। इस बिंदु की ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो कोई मोटाई होती है। यह बिंदु जस्ट एक स्पॉट है, जो किसी सरफेस पर जस्ट एक रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं कह दे अबाउट लाइन, रेखा की बात किया जाए, मतलब रेखा के बारे में आप समझिएगा। रेखा क्या है, रेखा दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनी है। दो बिंदुओं को जब हमने मिलाया, आपस में ज्वाइन किया, तो हमें एक रेखा प्राप्त हुई। मैंने रेखा के नेचर को समझाया। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, तो कुछ हमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर समझ में आते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर हम रेखाओं और बिंदुओं को एक साथ लेकर के समझ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं रेखाओं के बारे में और भी जो टर्म होते हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को संबंधित करें। एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं पास हो सकती हैं, पहला पॉइंट कि किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी एक बिंदु से अनगिनत होकर के अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग की परीक्षा में, कुल कितनी रेखाएं हो सकती हैं। दो तरह से इस लाइन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो कहेगा कि दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि दो बिंदुओं से होकर कितनी सीधी या सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहोगे सर एक खींची जा सकती है। लेकिन अगर हमसे कहता है दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो बिंदु अगर ए है हमारे पास, तो उनके बीच हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अब आप सोचिए, इस तरह से हम ज्वाइन करते रहे तो बहुत सारी अर्थात अनंत रेखाएं हम दो बिंदुओं से होकर गुजार सकते हैं। लेकिन यहां पर शब्द की गंभीरता आपको सही तरह से आपके इस रिस्पांस को प्रेजेंट करेगी कि अगर आपसे सीधी सरल रेखा की बात कर रहा है तो केवल एक रेखा, अगर ए हमसे केवल रेखा कह रहा है, अर्थात वह वक्र रेखा और सरल रेखा में कैटेगरी नहीं दे रहा है, तो आप कह सकते हैं अनगिनत रेखाएं दो बिंदुओं से होकर के बनाई जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। ये दो बात बिंदु और रेखा को संबंधित करता है। इन दो बातों के बाद हम अबाउट लाइन थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। अबाउट लाइन मतलब रेखा के बारे में कुछ और बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रेखा के बारे में चलिए
मैंने कहा अब यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिए, एक एक पॉइंट को, एक एक टर्म को यहाँ पर क्लियर हम लोग करते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर हम दो रेखाओं को एक दूसरे से क्रॉस करा दें, किसी एक कॉमन बिंदु पर दोनों को मिला दें, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। जब दो रेखाएं किसी एक कॉमन बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर देखिए ध्यान से, मतलब अगर हम लोग यहां पर दो रेखाएं ले रहे थे, एक का नाम यल था, दूसरे का नाम यन था, दोनों जाके बिंदु ओ पर मीट कर रही हैं, तीन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। दूसरा बिंदु समझिएगा, दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान रहे, मतलब दोनों चलती रहें, जीवन में कभी ना मिले, तो ऐसी दो रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर अर्थात पैरेलल होती हैं, समांतर रेखा होती हैं अर्थात पैरेलल लाइन होती हैं, तब जब वे दोनों, देखिए डेफिनेशन देकर थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको डिटेल कर दूंगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। समांतर का अर्थ होता है कि दोनों के बीच की दूरी सदैव समान हो। दूरी समान होने का अर्थ होता है कि दूरी, पहले चीज तो दूरी को एक्सप्लेन करिए कि दूरी है क्या। जैसे हम कह दें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, मैंने कहा इस कमरे में मैं खड़ा हूँ, एक फैन लगा है, इस फैन से इस पर्स की दूरी क्या है। अगर मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है तो कहेगा सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से दूरी इतनी है, आप वहाँ खड़े हैं, आपकी वहाँ से दूरी उतनी है, इनकी यहाँ से दूरी, इनकी यहाँ दूरी, तो ये दूरी यहाँ आप अलग अलग डिटेल कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा फर्श से दूरी क्या है। अब फर्श तो बहुत बड़ी है, हम सभी इसी फर्श पर खड़े हैं, तो दूरी एग्जैक्टली क्या है। दूरी वह लाइन होती है जो एक दूसरे के बीच समकोण बनाती है। अभी मैंने कोण फिलहाल डिस्कस नहीं किया है, लेकिन एक दूसरे के बीच समकोण बनाती वही दूरी है। तो उस पंखे से सीधा एक लंबवत रेखा ड्रा करिए, लंब रेखा ड्रा करिए, तो वह जो रेखा होगी वही उसकी सर्टेन दूरी कहलाएगी, पंखे की फर्श से दूरी कहलाएगी। अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान पाएं तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती। जैसे रेल की पटरियां जब चलती रहती हैं, चाहे सीधी चलें चाहे कर्व चलें, लेकिन कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है, उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। अगर दूरी इधर से उधर हुआ तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो दूरी अगर दो रेखाओं के बीच समान है तो दोनों रेखाएं हमेशा समांतर रेखा कहलाती हैं, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। शब्दों को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग किताबों में। जैसे कहा जाता है कभी कभी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को अनंत पर जाकर मिले, कोई कहता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना मिले, ये शब्द आते हैं, कभी ना हमारे एग्जिस्टेंस में कभी ना मिले जहां तक हमारी रीच हो। अनंत तो किसी ने देखा नहीं, तो अनंत पर जाकर मिले तो अनंत पर तो सब मिल जाते हैं। तो शब्दों को गंभीरता से समझिएगा, सीधा सीधा अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे इतना रखिएगा, दो रेखाएं एक दूसरे से जब समान दूरी पर चलती रहती हैं, चाहे फॉरवर्ड वे में, चाहे बैकवर्ड वे में, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे सेम डायरेक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है और वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाओं को हम लोग पैरेलल या तो समांतर लाइन कहते हैं। इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए यह रेखा यल है, यह रेखा यम है, हम लोग लिख सकते हैं यल पैरेलल टू यम, यल एम के समांतर है। तीसरी बात हम लोग करते हैं यहां पर, तीसरी बात करते हैं। अब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जब समकोण बनाती है किसी बिंदु पर, तो इस समय दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं अर्थात लंबवत रेखा कहलाती हैं। ध्यान से देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाएं तो ऐसी दो रेखाओं को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस अर्थात लंबवत रेखा कहते हैं। अब यहां पर इस समय का जो प्रेजेंटेशन होगा कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि यल अपोजिट टी बना दे, मतलब परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, किसके साथ, यम के साथ। यह जो यल रेखा है यम के साथ लंब जनरेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु यम पर समकोण बनाते हुए मिल रहे हैं, तो ऐसी दो रेखाओं को हम लंबवत रेखा कहेंगे। दो रेखाओं के समांतर होकर के उनको किसी एक प्रतिच्छेदी रेखा से इंटरसेक्ट करने की एक स्थिति हमारे चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, जिसको मैं कोण को समझाने के बाद आपको डिटेल करता हूं, क्योंकि कोण की वहां आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर के उन चीजों को हम और डिटेल कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, अबाउट एंगल। अब हम लोग कोण को समझे पहले थोड़ा सा, अबाउट एंगल, कोण के बारे में।
के बारे में। अब हमने जैसे आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलाई जाती हैं तो कोण बनता है। इस कोण को हम अलग अलग सिंबल थीटा, बीटा, अल्फा गामा नीटा, ए बी सी कुछ से भी प्रेजेंट कर देते हैं, किसी से भी प्रेजेंट कर देते हैं। इन कोण के जो मेजरमेंट होता है, जो इनका मापन होता है, वो तीन प्रकार से होता है। मतलब हम इनको कभी डिग्री में मेजर करते हैं, कभी हम इनको ग्रेड्स में मेजर करते हैं, कभी हम इनको रेडियन में मेजर करते हैं। इसका भी अपना एक सिस्टम होता है। किसी भी कोण को समझने के लिए सबसे पहले ऐसे समझिए कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एक कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे से झुकी हुई मिलती हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड होती हैं, तो कोण जनरेट होता है। कोण का मापन मैंने आपसे कहा डिग्री, ग्रेड्स, रेडियन में अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन पहली चीज समझिए, जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, यहां तक है, सपोज करिए इस बिंदु से चल रही थी, इसी एक्सेस पर, इसी बिंदु पर एक और रेखा मैंने ऐसे प्लॉट कर दी, ऐसे यहां पर। अब इस समय दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर हैं, एक ही बिंदु से गई हैं, एक ही के ऊपर इंक्लाइंड है। इस समय जो कोण बना उनके बीच 0 डिग्री का, अगर हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो, क्योंकि कॉमन जो हम लोग टर्म यूज करते हैं डिग्री का मेजरमेंट। अभी मैं उसको समझा देता हूं सिस्टम क्या है। अब यही रेखा धीरे धीरे उठनी शुरू होगी, जो ब्लैक वाली लाइन्स है ऐसे ऐसे उठनी शुरू होगी, तो धीरे धीरे यह इसके साथ इंक्लाइंड होकर एक कोण बनाती चली जाएगी। एक समय ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे झुकनी शुरू होगी, एक समय ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे झुकनी शुरू होगी, फिर एक समय ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे झुकनी शुरू होगी, एक समय फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसे रोटेट करती रहेगी, ऐसे ही कोण बनता चला जाएगा। यह होता है कोण। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ एक झुकाव अर्थात इंक्लिनेशंस में आती हैं तो कोण बनता है। मैंने कहा इन कोण का जो मेजरमेंट होता है 0 से प्रारंभ होकर के कभी 90 पर पहुंचता है, 180 पर पहुंचता है, 270 पर पहुंचता है, 360 पर पहुंचता है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूड होता चला जाता है। और इस प्रकार से हम कोण का मेजरमेंट कर पाते हैं अलग अलग रोटेशंस में। कोण एक साइक्लिसिटी या साइकिल जनरेट करता है, इसलिए कोण का मेजरमेंट पूरी तरह से साइकिल पर ही डिपेंडेंट होता है। और उस साइकिल की सिचुएशन को अगर हम समझें, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, बहुत डिटेल की जरूरत हमको है नहीं यहां पर, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा। जैसे एक साइकिल है, इस साइकिल के कंप्लीट कोण को हम 360 डिग्री मानते हैं अपने हिसाब से। मतलब ऐसे सोचिए, अगर हम इसको यह जो साइकिल हमारे पास बनी है, अगर हम इसके 360 टुकड़े कर दें, 360 टुकड़े कर दें, तो इस समय का जो कोण बनेगा वह आपका क्या कहलाएगा, डिग्री में कहलाएगा। अगर हम इसके 400 टुकड़े कर दें, उस समय का जो कोण होगा वो ग्रेड में कहलाएगा। और डिग्री और रेडियन के हिसाब से, अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन को हम पाई से कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिंबल, एक वैल्यू जो कि स्टेट जनरेट होता है उसको हम पाई से इंडिकेट करते हैं। यह हमारा बहुत पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी जैसे दे रहा हूं। आगे हम इस चीज को और डिटेल कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, जो हमारी रियल आवश्यकता है वहां तक हम लोग पहुंचने की बात करते हैं। आपने कोण को देखा, जनरली कोण हमने कहा जैसे हम सभी को डिग्री में फेस करना होता है। इसके बाद एक जो कोण हमारा रेडियन है उसको हम लोग को फेस करना होता है। कभी कभी हमारे यहाँ इन दोनों के बीच के संबंधों की बात करी जाती है तो हम लोग थोड़ा सा संबंध को समझ लें, लेकिन इसके साथ साथ जो कोण का रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लीजिए मैं डिग्री में कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर तरह के मेजरमेंट की दो इकाइयां होती हैं, जैसे कि एक बड़ी इकाई होती है, छोटी इकाई भी होती है, उसी प्रकार से कोण को भी अगर हम डिग्री में ही मेजर कर रहे हैं तो कुछ डिग्री होगा, कुछ मिनट होगा, कुछ सेकंड होगा। जैसे कि बड़ी मतलब 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री पहुंचना है तो हम 60 मिनट क्रॉस करेंगे, मतलब अगर हम बात करें 1 डिग्री दैट इज 60 मिनट। अगर हम 1 मिनट से एक दूसरे मिनट पर पहुंचना चाहते हैं तो हम 60 सेकंड क्रॉस करेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो इस तरह से हम कोणों को भी हम लोग सुपर स्क्रिप्ट या हम कह सकते हैं कि बड़ी और छोटी इकाइयों में डिपेंडेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए डिग्री है और डिग्री से हमें सपोज करिए रेडियन में मेजरमेंट करना है, डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अगर किसी कोण का डिग्री है और रेडियन के लिए हम लोग यहाँ पर सी से प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी एंगल हमारे पास दिया है, मतलब अगर हम डिग्री से रेडियन की तरफ जाएं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मेन हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज रिपीट करती है, ये चीज डिपेंडेंट होती है जो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पर हमको कुछ भी, जैसे हम एक आपको जनरल जानकारी दे दें कि 180 डिग्री जो होता है वो 1 रेडियन मतलब पाई के इक्वल होता है,
पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आपको पता है पाई अपान 180 हो जाएगा। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि जब भी कभी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, उस समय पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दें। चाहे जो भी कोण हो, अगर वह डिग्री है उसको आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दें। उसी प्रकार से अगर आप रेडियन से डिग्री की तरफ आना चाहते हैं तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो यह प्रोसेस होता है कि जब कभी रेडियन से डिग्री की तरफ जाएं या डिग्री से रेडियन की तरफ जाएं, आप किसी भी कोण को ले लीजिए, मान लीजिए 45 डिग्री है, आप इसका रेडियन कन्वर्जन करना चाहते हैं तो पाई अपान 180 मतलब पाई अपान 180 से आप 45 को मल्टीप्लाई कर दें। 45 चार बार होगा तो यह पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने कहा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 गुणे पाई बटा 180 कर दीजिए तो यह पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यह रेडियन था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था तो इसको आप 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए पाई पाई से कटा, 3 से इसको डिवाइड कर दें, 60 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री हमारी परीक्षा का एक पार्ट है जो जनरली पूछा जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन मुख्य जो हम लोग को यहां पर देखना है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। एक बात मैं और आपको बता दूं, कोणों के प्रकार पहले समझ लीजिए। अगर हम बहुत डिटेल यहां पर करने लगे कोणों को, जो अभी हम लोग यहां पर डिग्री, रेडियन, ग्रेड से सब पढ़ रहे हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चला जाएगा, त्रिकोणमिति का पार्ट हो जाएगा, हम ज्योमेट्री से पूरी तरह से भटक जाएंगे। इसलिए हम उन चीजों को शॉर्ट में बता के आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल जहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान दीजिएगा ये चीज, बाकी जब ग्रेड्स में कन्वर्जन, डिग्री में कन्वर्जन, रेडियन में कन्वर्जन, इसका डिटेल हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, त्रिकोणमिति में आएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसके बारे में समझाता हूं, कोणों के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप जाने समझें कि कोण दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। दो रेखाओं के झुकाव को हम जीरो से काउंट करते हुए एक रोटेशन, एक साइक्लिसिटी जनरेट करते रहते हैं, तो इस प्रकार से हमको कोण मिलता है। और उन कोणों की अलग अलग कैटेगरी को अगर हम लोग काउंट करें, मेजर करें, तो उनका हम स्पेशल कुछ नाम प्रोवाइड करते हैं। एक एक करके सबके नाम को आपको समझने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिएगा, कोणों के प्रकार में हम सबसे पहले प्रकार के कोण की बात करेंगे, जो कि जनरली कुछ ऐसे शुरू होगा। सबसे पहला जो कोण होगा वो होगा जीरो डिग्री। जीरो डिग्री मतलब हिंदी में आप इसको कह सकते हैं शून्य कोण। शून्य कोण जो हमारा कोण है, अगर हम उसको थीटा से मान लीजिए प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी रेखा मैंने कहा था दोनों एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं ऐसे ही पैरेलल, इस समय के कोण को आप जीरो डिग्री कहेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो थीटा है कोण, अगर जीरो के बराबर है तो उस समय के कोण को हम जीरो डिग्री कहेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि यह जो रेड वाली लाइन है ऐसे उठनी शुरू हो जाएगी, और इस सीधा होने से पहले जितने कोण बनेंगे वो सब आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल आप इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। इन सभी को आप न्यून कोण कहेंगे। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, जीरो से जो बड़े हों, और 90 से जो छोटे हों, मतलब जब थीटा का मान ग्रेटर देन जीरो डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है, उस सभी कोणों को आप न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल कहेंगे। अब आपने जैसे देखा कि ये लाइन अब यहां पर पहुंच गई, यहां पर जब फिक्स पहुंच गई ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उस समय के कोण को हम लोग कहेंगे राइट एंगल। क्या कहेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण। जब इस कोण थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस समय के कोण को हम लोग समकोण या 90 डिग्री कहते हैं। आप जब कभी सीधी सीधी या रेखा आपकी 90 डिग्री के बराबर पहुंच गई तो ऐसे कोण को हम समकोण या 90 डिग्री कहते हैं। अब फिर यही रेखा आपकी उतरनी शुरू हो जाएगी इधर की तरफ, मतलब 90 से डाउन होना शुरू होगी, बट इधर सीधा होने के पहले जितने कोण होंगे उन सभी कोणों को हम लोग यहां पर नाम देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में कहलाएगा अधिक कोण। हमने कहा जो थीटा का मान हो वो ग्रेटर देन 90 तो हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा तो हो, बट 180 डिग्री से कम हो। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो इन सभी कोणों को आप लोग यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात अधिक कोण कहेंगे। फिर आगे आप बढ़ जाइए और आगे बढ़ना शुरू होगा तो यह रेखा ऐसे डाउन होना शुरू हो जाएगी, इसके पहले यहां पर ये पहुंचेगी, यहां पर सीधी होगी, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल।
जिसको हम लोग कहेंगे स्टेट एंगल। स्टेट एंगल या हम कह सकते हैं सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा कोण आप हिंदी में कह सकते हैं, यहां पर सरल रेखा कोण। इसको आप कहेंगे जब थीटा का मान अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है, सरल रेखा का कोण कहलाता है। अब यह रेखा डाउन होनी शुरू हो गई और डाउन होने के बाद इस 360 तक पहुंचने के पहले जितने भी कोण बनकर आएंगे उन सभी को आप रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल का हिंदी अर्थ होता है बृहत कोण। क्या होता है? बृहत कोण, मतलब जब भी थीटा का मान ग्रेटर देन 180 है बट लेस देन 360 है, 180 से बड़े 360 से छोटे सभी कोणों को हम बृहत कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद अब यह रेखा धीरे धीरे पहुंचकर यहां पर टच कर गई 360 को। जैसे ही रेखा 360 को कंप्लीट टच कर गई तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। हिंदी में इसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। अर्थात जब थीटा का मान 360 डिग्री हो गया, एक कंप्लीट रोटेशन इसने पूरा कर लिया, इस समय के कोण को हम संपूर्ण कोण अर्थात 360 डिग्री कहते हैं। और हमको पता है कि हमारी जीवन भी इसी 360 के अराउंड ही होता है। अब हमारा पहला रोटेशन डन, हमने कोण को इधर से काउंट किया था। एक बात और दिमाग में यहां से हमको समझ में आती है कि अगर हम कोण को इधर डाउन काउंट कर रहे हैं तो इस मूवमेंट को आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में आप कोण काउंट कर रहे हैं तब यह सारे कोण आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अगर आपने इधर की तरफ से काउंट करना शुरू किया होता तो यह सारे कोण आपके क्लॉकवाइज होते, और अगर क्लॉकवाइज होते तो इसको हम लोग यहां पर नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मैंने जैसे कि कहा ये सारे के सारे पार्ट त्रिकोणमिति के हैं, इसलिए इनका पूरा डिटेल ज्यादातर आप त्रिकोणमिति में देखोगे, वहीं भी आपको चीजें समझ में आएगी। तो हमने कहा कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते रहे, हमको जीरो मिला, हमको एक्यूट मिला, हमको राइट मिला, हमको स्टेट मिला, हमको ऑप्टियूस मिला, हमको रिफ्लेक्स मिला, हमको कंप्लीट मिला। ये हमारे कोणों के जनरल प्रकार हैं जो कि हमारी परीक्षाओं से रिलेट करते हैं, हमसे संबंधित होते हैं। मैंने इतनी बात आपको समझाने की अभी तक की कोशिश करी, संभवतः यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब कोणों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ एंगल, रिलेटेड विथ एंगल मतलब कोणों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या पद आप लिख सकते हैं जो कोणों से संबंधित हो। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम दो रेखाओं को मिलाते हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कराते हैं, तब भी कोण बनता है। देखिए इनके इनके बीच कोण बना, यहां पर कोण बना, यहां पर कोण बना, यहां पर कोण बना। इस समय जो कोण बनते हैं दो तरह से उनको हम रीड कर सकते हैं। एक कोण होता है वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होंगे? समान होंगे, सदैव समान होंगे, शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होंगे। मतलब यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण जो है इसके बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आई कि कभी भी दो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी सर्टेन पॉइंट किसी एक बिंदु पर तो शीर्षाभिमुख कोण जनरेट होते हैं और वो शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा, एक कोणों के ही दो कोणों के ऊपर एक संबंध हम लोग बड़ा अच्छा फेस करते हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोणों को कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोण अपने आप को अगर 90 डिग्री बना ले तो उस पेयर ऑफ एंगल्स को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एक दूसरे का कोटिपूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक एंगल आपका है 30 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एक 45 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री। अगर आपका एक 10 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 80 डिग्री। दोनों को जुड़ करके 90 होना है। तो अगर हमने कहा कि एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब जब दो कोण जुड़ करके
90 डिग्री बन जाते हैं तो उन कोणों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या तो कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो कोटिपूरक कोणों का जोड़ हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। कभी भी किसी कोण का अगर कोटिपूरक हमें डिस्कस करना है तो हम उसको 90 से घटा दें तो हमें उसका कोटिपूरक कोण पता चल जाएगा। तीसरा बिंदु देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम समपूरक कोण या तो सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री 150 होगा क्योंकि जुड़कर 180 होना है। अगर हमने कहा 100 डिग्री है तो 80 डिग्री होगा। मैंने कहा 70 डिग्री है तो 110 डिग्री होगा। मैंने कहा 1 डिग्री है तो आप कहोगे सर 179 डिग्री होगा, 179 में एक जोड़ दें 180 होगा। इसी प्रकार से अगर हमने कहा थीटा है तो यह 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। मतलब अगर आपको कोई कोण दिया गया है उसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको हम 180 से माइनस कर दें, हमें उसका सप्लीमेंट्री पता चल जाएगा। ये ना सोचिएगा 30 का सप्लीमेंट्री 150 होता है, 150 का भी सप्लीमेंट्री 30 होगा। तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, जो पेयर बनकर आ रहा है, जो जोड़ा बनकर आ रहा है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री अर्थात एक दूसरे के संपूरक हैं। मेरी बातें समझ में आई होगी आप सभी को जो यहाँ बताने की अभी तक मैंने कोशिश की। अब यहाँ पर आपने कोणों की जनरल टाइप सीखे, रेखाओं को भी समझा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट लाइन एंड एंगल। ध्यान से देखिएगा, अबाउट लाइन एंड एंगल्स अर्थात रेखा और कोण के बारे में। रेखा और कोण के बारे में यहां से सर्टेन आपकी परीक्षा में एक नंबर आना निश्चित है। आप देखिए यहां पर रेखा और कोण की स्थिति को हम लोग यहां पर डिटेल करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो रेखाएं अगर समांतर हैं, अगर उनको कोई एक तिर्यक रेखा, सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक सरल रेखा प्रतिच्छेद करे, यह स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। और इससे देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट नजर आएंगे, निकल कर आएंगे, उनको हम एक एक करके समझते हैं। हेडिंग मैं यहां पर करता हूं, जब, ध्यान से देखिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक सरल तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो देखिए क्या स्थितियां जनरेट होगी। जब दो समांतर रेखाओं को एक सरल तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, when the two parallel lines are intersected, I'm not saying about bisected का मतलब दो बराबर भागों में, intersected by a straight parallel line। अब देखिए ये स्थिति को हम लोगों ने यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंट कर दिया, अब इसको बहुत डिटेल से आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो लिखा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो दो समांतर रेखाएं हम कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक को L बोला, दूसरे को M बोला। समांतर की बात आपको मैंने बता रखा है कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, तब होती हैं जब उनके बीच की दूरी समान हो या दोनों एक दूसरे को कभी ना मिले, तो समांतर कहलाती हैं। एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करे, तो पहली चीज 8 कोण बनते हैं, उन 8 कोणों का नामकरण कर दिया जाए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। मैंने इस तरह से उनके नेमिंग कर दी, उनका नामकरण कर दिया। इनके नामकरण के बाद जो स्थितियां जनरेट होगी उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हिंदी में कहेंगे एकांतर अंतःकोण। अंतः मतलब आप इंटीरियर समझ ही रहे हैं। क्या होंगे, इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ये है कि समान होंगे। एकांतर अंतःकोण आपके क्या होंगे, समान होंगे। एकांतर अंतःकोण देखिए कौन कौन है, 3-5 से है, 3 = 5 हो जाएगा और 4 = 6 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण। 3-5 से संबंधित हो गया, 4-6 से संबंधित हो गया। जैसे एकांतर अंतःकोण समान हुए, उसी प्रकार से एकांतर बाह्य कोण भी समान होंगे। एकांतर
बाह्य कोण ये भी क्या होंगे, समान होंगे। एकांतर बाह्य कोण भी समान होंगे। अब एकांतर बाह्य कोण देखिए कौन कौन है। एकांतर बाह्य कोण आपका हमने कहा कि 2 8 का है और 1 7 के साथ है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप देखिए जैसे एकांतर अंतः कोण समान थे 3 5 से 4 6 से, उसी प्रकार से एकांतर बाह्य देखिए कोण 2 कोण 8 के बराबर हुआ, कोण 1 कोण 7 के बराबर हुआ। तीसरी बात हम लोग यहां पर करते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग ध्यान से, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण, संगत कोण ये क्या होंगे, ये भी समान होंगे। संगत कोण समान होंगे, पहले संगत को डिस्क्राइब करूं कि मैं संगत है क्या। संगत मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, अगला व्यक्ति भी अगर उसी पैरेलल, उसके पैरेलल उसी लोकेशन पर है तो दोनों एक दूसरे के संगत है। जैसे मैं जिस कमरे में यहां पर खड़ा हूं, इसी लेन में अगला अगर कोई पैरेलल कमरा है, वह व्यक्ति कोई जो उसी लेन में खड़ा हो मेरे साथ, मेरे पैरेलल, वही हमारा संगत है। अगर आप 2 रेखाएं समांतर देख रहे थे और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी, तो जो संगत कोण होंगे वो समान होंगे। अब संगत देखिए कैसे होगा, जो हमारी रेखा ए वाली है इसका ऊपरी हिस्सा जैसे 1, इसके ऊपरी हिस्से 5 के बराबर होगी, इसका ऊपरी हिस्सा 2 6 के बराबर होगा, निचला हिस्सा 4 8 के बराबर होगा, निचला हिस्सा 3 7 के बराबर होगा। तो इन्फॉर्मेशन देखिए कितनी निकल करके आई, आप एक एक को यहां पर कंक्लूड करिए, एक एक को समझ कर चलिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट दिमाग में ना रख करके चलिए। मैंने कहा कोण 1 इज इक्वल टू कोण 5 हो जाएगा, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 6 हो जाएगा, इसी तरह से कोण 4 इज इक्वल टू कोण 8 हो जाएगा, एंड कोण या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 2 आपका 6 के इक्वल, 3 आपका 7 के इक्वल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण भी समान होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी समान होते हैं और संगत कोण भी समान होते हैं। अगली जानकारी आप लोग लीजिएगा, चौथा नंबर, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल को आप हिंदी में कहते हैं अंतः कोण, अंतः कोण संपूरक होंगे, क्या होंगे, संपूरक होंगे। अब संपूरक होंगे, आप सोचिए अंतः कोण किसको कहेंगे, और संपूरक के बारे में भी मैंने बताया कि कोणों का जोड़ जब अगर 180 के इक्वल हो गया तो संपूरक होते हैं। को इंटीरियर समझिए कौन है, 3 6 के साथ और 4 5 के साथ, अर्थात मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 6, या मैं लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5, यह भी 180 होगा और यह भी 180 होगा। मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के साथ, या हम ऐसे कह दें कि जुड़ करके 180 के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए 3 5 के साथ, 4 6 के साथ क्वेश्चन फेस करेंगे आप, ऐसे ही सीट आप जब सॉल्व करोगे तो आप इस पर क्वेश्चन फेस करेंगे। तो अंतः कोण एक दूसरे के साथ संपूरक होते हैं, अर्थात जुड़ करके 180 डिग्री बनाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, 5वां नंबर, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट इसका अर्थ है आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, अभी मैंने आपको समझाया था कोण समान होंगे, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। अब पहले शीर्षाभिमुख समझिए कौन कौन से हैं, और आप लोग मेरे ख्याल से अगर पिछला भी पढ़े हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन कौन से शीर्षाभिमुख होंगे। कोण 1 जो होगा वह 3 के साथ होगा, देखिए 1 3 के साथ होगा, कोण जो 2 होगा वो कोण आपका 4 के साथ हो जाएगा, इसी प्रकार से कोण जो 6 होगा वो कोण 8 के साथ हो जाएगा, और कोण आपका जो 5 होगा वह कोण 7 के साथ हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आपके क्या होंगे, समान होंगे। एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, लीनियर एंगल, लीनियर एंगल मतलब सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, बने कोण संपूरक होंगे, क्या होंगे, संपूरक होंगे, संपूरक होंगे। ये समझिए, सरल रेखा पर बने कोण अगर संपूरक होंगे तो उसकी स्थिति क्या है। सरल रेखा का मतलब आपको समझ में आता है कि जो सीधी रेखा है उस पर कहीं भी कोण बनेगा, चाहे जितने बनेंगे सब जुड़ करके 180 होंगे। जैसे इसमें तो मान लो एक सीधी रेखा है, अगर हम इनकी इनकी बात करें एक तरफ की, तो आप समझ गए होंगे 1 प्लस 2, या 2 प्लस 3 भी कर दीजिए, 2 प्लस 3 भी कर दीजिए, या 3 प्लस 4 कर दीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दीजिए, या एंगल 1 प्लस एंगल 4 कर दीजिए, ये सब जुड़ करके 180 अंश होंगे। जैसे ए 180 अंश होंगे, उसी प्रकार से ये सब के सब जुड़ करके कितना होंगे,
180 अलग अलग होंगे, मत सोचिएगा सब जुड़कर होंगे, ए भी जुड़कर 180 होगा, ए भी जुड़कर 180, ए भी जुड़कर, ए भी जुड़कर 180 अंश होगा। या ऐसे समझिएगा कि इस बिंदु पर बना कोण हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। वो शुरू में भी बताना चाहिए था, अभी भी समझ लीजिएगा कि कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो किसी बिंदु का बना कोण 360 के बराबर होता है। इधर भी जैसे मैंने इसको बताया वैसे इधर भी देख लीजिएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये सब भी अलग अलग जुड़ जुड़ करके 180 अंश के ही इक्वल होंगे, अलग अलग एक साथ में। मतलब इसका सम भी 180, इसका भी सम 180, इसका भी अलग अलग सबके सम कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। यह एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो समय की स्थिति क्या क्या जनरेट हो सकती है, कितनी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। इतनी बातें मैंने आपको आज के इस लेक्चर के बारे में बताई जो रेखा और कोण को सीधा सीधा संबंधित करती है और आपके पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा कि परीक्षा से संबंधित ये फैक्ट आपको सीधा सीधा क्वेश्चन से टच कराएंगे, जब मैं सीट लेकर के आपके सामने आऊंगा यह फैक्ट्स यह कॉन्सेप्ट आपके तुरंत संबंधित होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे सेशन को आप सीरियसली ध्यान से देखें, अगर अभी देख रहे हैं तो शुरू में जाकर देखें, और अगर बीच में भी है तो स्किप ना करें, प्रॉपर वे में अच्छे से अगर सेशन को देखेंगे तो आपको सारी बातें सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। और जब मैं अगली क्लास में आऊंगा इनसे संबंधित मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट हल कराऊंगा जो कि आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकेंगे। संभवतः जितना कुछ अभी तक बताया गया वो आपने सब कुछ प्रॉपर देखा और समझा, जो पूरी ज्योमेट्री के बेसिक अप्रोच लाइन एंड एंगल को पूरी तरह से रिलेट करता है। लाइन एंड एंगल का यह जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, आपने इस लेक्चर के माध्यम से डिटेल किया समझा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे सेशन को डीप से या प्रॉपर कंसंट्रेट होकर के देखें, जिससे कि जब भी मैं इस पर संबंधित कोई प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊं आप उस पर अपना इनिशिएटिव दे सकें, उस पर अपना कमांड शो कर सकें। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप अच्छी तरह से सब चीज को प्रॉपर डिटेल से समझे होंगे तो आपको हर बात यहाँ पर समझ में आई होगी। मैं इसी आशा के साथ आज के सेशन को इंड अप करूंगा, लेकिन जाते जाते भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि शिक्षक भर्ती 2021 की परीक्षा के लिए ये बैचेस संबंधित हैं, उसी से संबंधित पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और उन बैचेस में अभी भी आप सभी का स्वागत है, आप सभी उस बैचेस से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत सारा आभार, आप सभी लोग इसी तरह से संस्थान से जुड़े रहें और संस्थान की हर गतिविधियों में हमसे रिलेट करें, हम भी अपना पूर्ण और कंप्लीट समर्पण की भाव से आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आपके लिए हम सभी हमेशा तत्पर रहेंगे और ईमानदारी भरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।